तुम फिर से चूक गए, ये देखो आओ। ये मेरे हॉकी बैग में उल्टी करने के लिए। तुम शैतान बिल्ली को मार नहीं सकते। ये मेरे जूते को कचरे का डिब्बा समझने के लिए। नहीं, तुम मेरी शैतानी ताकत को खत्म नहीं कर सकते। और ये मेरे मन पसंद कैप्टन ब्लास्ट्रॉइड को मिटाने के लिए। ठीक है खूब रहने दो। अरे खूब बस हो गया, खूब आओ। मजाक करना बंद करो, तुम्हें मिस्टर कैट का इस तरह चिढ़ाना नहीं चाहिए। हम तो बस इस नकली बिल्ली को चिढ़ा रहे थे। मिली, इस भीगी बिल्ली से कह दो कि मुझसे दूर ही रहे, क्योंकि मैं हमेशा आग से खेलता हूँ। वैसे तुम आग से नहीं, पानी के गुब्बारे से खेल रहे थे। अरे याद आया, मुझे और पानी के गुब्बारे चाहिए। हे, वो क्या है? ये हमारी पानी के गुब्बारा फेंकने वाली मशीन है। ये, इसे चलाना तो बहुत मुश्किल लगता है। नहीं नहीं मिली, ये तो बिल्कुल आसान है। तुम्हें बस इस कटोरे को खींचकर इसमें गुब्बारा रखना होगा, और इससे तुम इसकी दिशा बदल सकती हो और किसे मारना है उस पर निशाना लगा सकती हो। और ये क्या करता है? इससे गुब्बारे का हमला होता है। मिली, उसे छूना मत। बच गए। अरे नहीं 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 नहीं। मेरे प्यारे डिस्को डांसर, तुम तो कितना अच्छा नाचते हो। वाह वाह वाह। भागो। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे जैसा ही शैतान है। ये एक एक्सीडेंट था ओल्ड लेडी। मेरा मतलब है मनसन आंटी, कूप को इस बात का बेहद अफसोस है। अगर ये लड़का या इसकी कोई भी चीज मेरे बागीचे में दिखाई दी तो तुम दोनों माफी के काबिल नहीं रहोगे। मुझे उस बिल्ली से पीछा छुड़ाना है डेनिस, चाहे कुछ भी हो जाए। वो क्या था? बिल्ला, बिल्कुल ठीक समय पर। चलो हमारे प्लान पर दोबारा सोचते हैं। आज रात हम टेंट में अकेले सोएंगे। बिल्ला हम पर हमला करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। और क्या ये अच्छी बात है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो बहुत बढ़िया है। जब वो हमारे पुतलों पर हमला करेगा तब हम उसे बैग में बंद करके उसकी जगह एक क्यूट सा पपी ले आएंगे। या कोई बंदर। वो देखो ये क्या हो रहा है? वो अपने साथ अपने साथियों को मिलाया है। हट जाओ, भागो, निकलो यहाँ से। गिलहरी जैसे दिखने वाले बिल्लो। आओ, ये तो बहुत आसान था। वैसे हमारे पास काफी कैंडी और जूसेस है जो हमें पूरी रात जगाए रखेगा। ओल्ड लेडी, मेरा मतलब मनसन आंटी, आप मेरी गार्डन में क्या कर रही हैं? मैं भी तुमसे यही सवाल पूछने वाली थी। पर ये कैसे? क्या मैं आपके बाथरूम में जा सकता हूँ? मुझे जवाब मिल गया। बाय कूप। अब तुम्हारी बारी है मिस्टर कूप। क्या ये कहाँ गया? बटन भागा। अब तुम्हें हर एक पौधा लगाना होगा जो तुम्हारे सर चढ़े शैतान लड़के ने बर्बाद कर दिया। मेरा यकीन कीजिए डैड, ये मिली के बिल्ले ने किया है। कोई बहाना नहीं चलेगा कूप, तुम्हें मनसन आंटी से माफी मांगनी ही होगी। अब समय है हमारी टी पार्टी का। ओ, ये क्या, चाय तो खत्म हो गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मनसन आंटी को बहुत सताता था। मुझे याद है एक बार मेरे बॉल ने उनकी खिड़की को तोड़ दिया, और ये देखकर वो हाथ पैर उठाकर मेरी तरफ ऐसे। अब समझे तुम इसको क्यों काबू नहीं कर पाते। तुम भी बचपन में ऐसे ही थे। आप समझा मुझे अभी भी डरावने सपने क्यों आते हैं? वाह,
तुम्हारी इतनी हिम्मत। डेनिस, डेनिस, सुनो को। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचाने। इसके अंदर बिल्ली को सुलाने वाली चीज है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बिल्ली को सुलाता है? हाँ, क्यों नहीं। बिना लोरी सुनाए ही वो बिल्ला खराटी मारने लगेगा। फिर हम उसे बॉक्स में बंद करके साइबेरिया भेज देंगे। मेरा और मेरे डिस्को डांसर का यही मानना है कि अगर कोई चीज में खराबी आ जाए तो उसे तोड़ मरोड़ कर फेंक देनी चाहिए। ठीक कहा। हाँ मनसन आंटी, अब मैंने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो जल्दी से इसे अंदर ले आओ। ओके डेनिस, इसे पकड़े रहो जब तक मैं जाल बिछाता हूँ। रुको, मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। चेतावनी लिखी हुई है, सावधान, इसका कम इस्तेमाल करिए वरना बिल्ले का बर्ताव जंगली हो सकता है। जंगली का क्या मतलब होता है कूप? नहीं, मंसन आंटी का गार्डन नहीं। जाओ बदमाश बिल्ले। अरे मुझे दूर हटो। तो आपसे अपने शैतान लड़के को काबू में रखना। शैतान पड़ोसी से डर गए हो? ये बिल्कुल गलत है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारी तोड़ी हुई चीजों को मैं क्यों ठीक कर रहा हूँ? मनसन आंटी ने कहा है कि उस पिंक वाले डॉल के कान के पीछे छाले हैं। ठीक है। और स्पंज का इस्तेमाल करना, क्योंकि स्क्रबर उसे लग जाएगा। डैड मेरा यकीन कीजिए, ये सब मिली के बिल्ले ने किया है। हमेशा मिली के बिल्ले को गलत मत ठहराओ। तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कुक। सही कहा डैड। मैं अभी आया। कूप, डैड ने कहा है कि तुम्हें इन सब को भी धोना है। अब देखते हैं मनसन आंटी के गार्डन में कौन जाता है। मिस्टर कैट, डैड, डैड, डैड। नहीं, स्टैचूस को नहीं। पकड़ लिया। मैंने इन सब को पकड़ लिया। तुम इस बार हार गए बिल्ले। मेरे सामी भोंदू को पसंद नहीं कोई उसे उल्टा पुल्टा पकड़े। अभी यहाँ आ रहा हूँ मनसन आंटी।
मिस्टर कैट। लगता है मीठे से पिंपल आ गया। बहुत हुआ बच्चों, मुझे लगता है कि कैट को अब उसका एक अपना बिस्तर चाहिए। पर क्यों? वो तो कहीं भी सो सकता है। ओह, वो तो दिख रहा है, इसे तो कांटों के बिस्तर पर सुलाना चाहिए। ओ, क्या बात है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ और ख्याल आया है। ओह, मिस्टर कैट के लिए बिस्तर। एक मिनट, मिस्टर कैट को इस पर सोने के लिए कुछ नरम चाहिए। ये लो मिस्टर कैट। देखो इसे पसंद आया, इसे पसंद आया। ये कितना प्यारा है। तुम ये ब्लैंकेट कहाँ से लाई? मुझे ये तुम्हारी अलमारी में सबसे ऊपर रखे एक जूतों के डिब्बे में मिला, जिस पर लिखा था इससे दूर रहो मिली, वरना बहुत बुरा होगा। ये रहा तुम्हारा अच्छा सा ब्लैंकेट। गुड नाइट कूप। मेरा ब्लैंकेट मुझे वापस करो। तुमने तो ये ब्लैंकेट तभी फेंक दिया था जब तुमने नर्सरी में पहला कदम रखा था। हाँ, और किंडरगार्टन शुरू होने के बाद मैंने इसे वापस रख लिया था, और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अब तुम बड़े हो गए हो कुब, ये तो बहुत ही पुराना। इससे पहले कि पड़ोसी शिकायत करे, मैं इसे धोने के लिए डाल देता हूँ। मजेदार लजीज झींगे, ये है कैट्स का मन पसंद खाना। जाइए और अपनी कैट्स के लिए ये खाना ले आइए। प्यारी प्यारी बिल्लियाँ खाना खाएंगी, खाना खाके तंदुरुस्त हो जाएंगी। क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पता है, मुझे पता है, इसे बस इसका कंबल चाहिए। देखा, शुक्रिया, ये चुप तो हुआ। अरे नहीं, अब इसे क्या चाहिए? ओह, माफ करना मिस्टर कैट, मैं तुम्हारा खाना लाना भूल गई थी। बिल्ले के खिलौने, तुम्हें ऊन के गोले पसंद है ना? ये लो। पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हाँ, चुप हो गया। हेलो, हाँ मुझे पता है, माफ करना, माफ करना, माफ करना, मुझे पता है, माफ करना। अब ये सब खत्म होगा। मैं इस कैट के लिए बोलने वाला कॉलर लेकर आया हूँ। वाह, ये तो बढ़िया है। बिल्लों पे कड़ा अनुशासन, और इसमें है 9000 वोल्ट्स का झटका। इससे तो अच्छे अच्छे बिल्ले सुधर जाएंगे। हमें उसे सुधारना है, 440 वोल्ट का झटका नहीं देना है। ये है वो कॉलर। अरे नहीं, इसके नियमों को ध्यान से पढ़िए। ये कॉलर आपके पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सावधानी बरतें।
हो गया, अब इसे बस कैट सेटिंग पर डाल दो। नहीं नहीं कैट, तुम्हें ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चुप हो जाओ। अच्छा बिल्ला, क्या हम इसके लिए झटके वाला नहीं ला सकते? वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, अच्छे बिल्ले को तभी बोलना चाहिए जब उसे बोलने की जरूरत हो। और मेरी नकल करना बंद करो। आवाज बंद। तुमने सुना नहीं? आवाज बंद। अब बन गए तुम अच्छे बिल्ले। छोड़ो। मैंने कहा आवाज बंद, बिगड़े हुए बिल्ले, तुम्हें अपनी जुबान पे लगाम लगानी होगी। मुझ पर से अपना हाथ उठाओ शैतान कहेंगे। इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं। सुन लिया, तुम उस कॉलर से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। चलो ब्लैंकी को बाय बाय कहो। इसके बारे में सोचना भी मत। छोड़ो, गुदगुदी होती है। खर्राटे रहना बढ़ते हुए बच्चों में एक बीमारी की तरह है। क्या? तुम स्कूल के लिए लेट हो गए हो। अरे नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुली। चलो जल्दी करो, लेट मत होना। जल्दी जल्दी मत खाओ, ढंग से चबाओ। तुमने कुछ कहा? मिनी, मैंने पूछा तुमने कुछ कहा? डैड, क्या आपने? खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। ओके। चलो भागो मत। क्या तुमने कुछ कहा? क्लास में सोना मना है, सीधे होकर बैठो। क्या तुमने कुछ कहा कूप? चुप क्यों हो, जवाब दो। कॉलर, चुप रहो। शायद तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस जाना चाहिए। हमेशा अपनी टीचर की बात सुननी चाहिए। वो शायद तुम्हें ठीक से पढ़ा नहीं पा रही है, इसीलिए प्रिंसिपल के पास भेज रही है। शांत रहो बच्चों, अगर एक और शब्द कहा तो तुम्हें सजा मिलेगी। पर वर कुछ नहीं, अब तुम मुसीबत में हो। बस अब बहुत हुआ, अगर तुम लोगों ने हंसना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें भी सजा दूंगी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें अभी यहाँ से भागना चाहिए। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें तो पता है कि बहुत सारे दोस्त कैसे बनाए जाएं। तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुमने मेरा ब्लैंकेट लिया। सुनो, आगे बढ़ो, जाओ और जाकर उससे ले लो। ओ, ये तो दिन में तारे दिखाने वाला मुक्का था, और ये था महाबली वाला मुक्का, और ये है जोरदार कराटे किक। ओ, तुम दोनों कितना अच्छा लड़ते हो भाई और बहनों, ऐसी लड़ाई तो इतिहास में लिखी जाएगी। मेरा ब्लैंकेट मुझे वापस करो। आजाद हो गया मेरा बचपन का ब्लैंकेट। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? कैट ने अपना कॉलर मुझे पहना दिया है और सब मेरे पीछे पड़े, और अब मैं इसे उतार नहीं सकता। लगता है कहीं गिर गया होगा। अब मुझे मेरे रूम में जाना है, यही मेरी सजा है ना डैड?
हाँ ठीक कहा। ये रहा तुम्हारा पुराना कॉलर मिस्टर कैट, अब तुम्हें उस कॉलर की बकवास बातें नहीं सुननी पड़ेगी। हर वक्त तुम्हारे कानों में वो बोलने वाली आवाज अब और नहीं सुनाई देगी। मजा आएगा, तुम मेरे साथ सो सकते हो और मैं तुम्हें पूरी रात कहानियाँ सुनाऊंगी और हम दोनों मीठे मीठे बिस्किट खाएंगे। ये जगह मेरे जैसे महंगे कॉलर को पड़े रहने के लिए अच्छी है, कोई ना कोई मुझे ढूंढ ही लेगा। तुम्हें फर्नीचर को इस तरह नहीं चबाना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम करता है। और इस तरह खुजली नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। यही तो मैं इसे कहती रहती हूँ। और इस तरह चाटना बहुत गंदी बात है।